नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि पिछले सप्ताह मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ व्यस्तताएं आ गई थी, अचानक ऐसे कार्य आ गए जिससे मैं समय नहीं निकाल पाया। इसी वजह से ये वीडियो हमारा लेट हो गया है थोड़ा, लेकिन ये आवश्यक वीडियो है और इसलिए मुझे लगा और मेरे कुछ फॉलोअर्स ने भी ये कहा कि ज़रूर मुझे इस विषय पे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। नई संसद का उद्घाटन हुआ है और सेंगोल की स्थापना की गई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो जब भी किसी चीज़ की स्थापना होती है, स्थापना मुहूर्त का उस चीज़ के उस वास्तु के जीवन काल पे लंबा प्रभाव रहता है, जीवन पर्यंत प्रभाव रहता है। जैसे कि नई संसद का जो उद्घाटन हुआ, उसकी शुरुआत हुई, उसके समय के अनुसार उसका जो भविष्य है वो निर्धारित उसी समय पर हो गया जिस समय पर वो उसका उद्घाटन हुआ। और निश्चित रूप से उसी की हम आज विवेचना करने के लिए आपके बीच आए हैं कि किस तरह का भविष्य, क्योंकि संसद जो है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए उसका मंदिर कहलाता है और संसद का भविष्य कहीं ना कहीं देश का भविष्य निर्धारित करता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये जो उद्घाटन हुआ है उसकी कुंडली क्या बनती है। तो मित्रों, मिथुन लग्न की ये कुंडली बनती है जिसमें लग्न में शुक्र विद्यमान है, दूसरे भाव में कर्क राशि में नीच राशि में मंगल है, तीसरे स्थान में चंद्रमा है सिंह राशि के, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था, केतु जो है वो पंचम स्थान में तुला राशि में है, शनि देव स्वग्रही कुंभ राशि में है जैसा कि आप जानते हैं, और नवम भाव में है वो। और इसके अलावा तीन ग्रहों की युति, राहु गुरु और बुध की युति, बुध जो कि लग्नेश हैं वो 11वें भाव में स्थित हैं और सूर्य देव 12वें भाव में हैं। ये जो कुंडली है दोस्तों, निश्चित रूप से इसका गहरा असर न सिर्फ संसद के बल्कि इस देश की कुंडली पे भी पड़ेगा, इस देश की के भविष्य पर भी पड़ेगा। और आप देखिए, यही कुंडली का महत्व है, यही ज्योतिष का महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष की जो स्वतंत्रता की कुंडली है 00 वर्ष 15 अगस्त 1947 की, वो वृषभ लग्न की कुंडली है और राहु से प्रभावित है, उसमें लग्न में राहु बैठा हुआ है। और उसी प्रकार ये जो कुंडली है इसमें भी लग्नेश जो है वो बुध वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें एसोसिएट हो जाती हैं। हम अपनी जो मूल कुंडली है राष्ट्र की कुंडली, उससे विलग नहीं हो सकते, उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते। उस दोष जो राहु का जो दोष है वो इस कुंडली में भी दिखाई देता है, जबकि लग्नेश बुध राहु के साथ स्थित है। अब एकादश स्थान में राहु के साथ बुध का होना और साथ में गुरु का होना बहुत सी चीज़ों को बताता है। तो इस कुंडली की विवेचना करेंगे, कुछ मुख्य बातें जो इस कुंडली को देख करके समझ में आ रही हैं वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए ध्यान से कृपया सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि चारों जो केंद्र हैं इस कुंडली के, यानी कि 1, 4, 7, 10 चारों भाव जो हैं उसके स्वामी राहु के साथ बैठे हुए हैं। दो भावों के स्वामी बुध हैं, पहले और चौथे भाव के, सातवें और दसवें भाव के स्वामी गुरु हैं। और ये चारों जो केंद्र हैं इनके स्वामी यानी कि बुध और गुरु जाके बैठते हैं राहु के साथ। और राहु का जैसा कि स्वभाव है, एक अनिश्चितता, एक डिस्टरबेंस वो बना के चलता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि संसद में, और मज़े की बात यह है कि चौथा भाव और सातवां भाव
ये दोनों भाव विरोधी दल को रिप्रेजेंट करते हैं, और लग्न और दसवां भाव तो राज्य पक्ष को और जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, ये सभी दलों को, सभी लोगों को राहु का सामना करना पड़ेगा, और इसका मतलब है एक तरह की अस्थिरता, गंभीर राजनीति भी बताता है राहु। तो राजनीति का खेल बहुत ज़्यादा होगा इस संसद के बनने के बाद, राजनीति के जोड़ तोड़ बहुत ज़्यादा होंगे इस संसद में बनने के बाद, और कहीं ना कहीं संख्या बल में अनिश्चितता की स्थिति को भी ये इंडिकेट करता है। यानी कि हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें संख्या बल के मामले में कुछ जोड़ तोड़, जो भी दल सत्ता में आएगा उसको दूसरों के साथ मिल करके सहयोग लेके अपनी सत्ता स्थापित करना पड़े, ये कुंडली क्लियरली इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम चारों भावों के स्वामी राहु के साथ होना ये इंडिकेट करता है कि हंग पार्लियामेंट की स्थिति बन सकती है 2024 में या आगे के वर्षों में भी, और दूसरे दलों के साथ सहयोग लेकर के ही कोई दल सरकार बनाए, टोटल मेजॉरिटी कोई एक दल को मिलना थोड़ा मुश्किल मुझे प्रतीत होता है इस प्रवेश कुंडली को देखते हुए। दूसरी बात जो इस कुंडली को देख के मैं कह सकता हूँ वो ये है कि लोकतंत्र का मंदिर जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि नवम भाव जो कि इस कुंडली का भाग्य है वहाँ पे शनि देव अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैठे हुए हैं, मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, भाग्य भवन को प्रोटेक्शन देते हुए बैठे हुए हैं, उसको अपलिफ्ट करते हुए बैठे हुए हैं। इसका मतलब है साफ रूप से कि लोकतंत्र जारी रहेगा, जैसा कि कुछ हमारे ज्योतिष मित्र दूसरे चैनल्स पे राजतंत्र की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे वो किसी पौराणिक ग्रंथ भविष्य मलिका आदि का संदर्भ लेते हैं, पर मुझे लगता है कि लोकतंत्र इस संसद के प्रवेश के आधार पर जारी होता हुआ मुझे आगे भी दिखाई देता है। इसके पश्चात मंगल की स्थिति पे अगर हम दृष्टि डालें तो दूसरे भाव में मंगल हैं, नीच राशि में मंगल हैं, और नीच राशि के मंगल दूसरे भाव में मंगल ऐसे भी अकारक हो जाते हैं, और लाभ स्थान के स्वामी हैं और ऋण रोग शत्रु स्थान के स्वामी हैं मंगल। तो इसका ये अभिप्राय मुझे दिखाई देता है कि वाद विवाद की स्थिति काफ़ी गहराएगी इस संसद में, बातों के तीर बहुत चलाए जाएंगे, और बातों के तीर जो हैं वो एग्रेशन के लेवल तक चले जाएं ऐसा भी दिखाई देता है, जो कि पिछली संसद में कम दिखाई देता था, ऐसा कम दिखाई देता था। लोग एक दूसरे का विरोध तो करते थे लेकिन बहुत एग्रेशन कम ही दिखाई देता था। इस संसद में एग्रेशन हमको ज़्यादा दिखाई देगा ऐसा मुझे लगता है। इस कुंडली की अच्छाई ये है कि शुक्र देव लग्न में विराजित हैं, उन्हीं का नक्षत्र है, और नक्षत्र उन्हीं का है तो निश्चित रूप से दशा लॉर्ड भी वही होंगे, दशा उन्हीं से शुरू होगी, और इसलिए शुक्र में मंगल की दशा 18/12/2023 तक है, और उसके बाद शुक्र में राहु की दशा दिखाई देती है। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि वर्तमान जो संसद है, वर्तमान जो प्रक्रियाएं हैं वो 18/12/2023 तक निर्बाध रूप से जारी रहेंगी,
लेकिन 18/12/2023 के बाद उसमें कुछ डिसरप्शन, कुछ परेशानी राहु की वजह से आएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। फिर से नोट करिएगा, 18/12/2023 तक संसद का कार्य सुचारू चलेगा, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ बाधा व्यवधान की परिस्थितियां और बाधा व्यवधान किसी प्रकार का हो सकता है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन शुक्र का लग्न में स्थित होना एक अच्छा साइन है, शुभ संकेत है, जो कि ओवरऑल इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है, जो कि ये बताती है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में सकारात्मक कार्य होंगे, पॉजिटिव वर्क्स होंगे, अच्छी प्लानिंग होगी, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी हैं शुक्र, प्लानिंग के घर के स्वामी हैं शुक्र, अच्छी प्लानिंग से काम होगा संसद में, भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी, भविष्य अच्छा भारत का ये शुक्र निर्धारित कर रहा है लग्न में बैठकर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि शुक्र बता रहा है, इंश्योर कर रहा है भारत के भविष्य की सकारात्मकता को। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, एक एक भाव की भी विवेचना हम कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। तो ब्रॉडली मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो ग्रह प्रवेश की जो कुंडली बनी है संसद की, क्या इंडिकेट कर रही है, और आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भविष्य के लिए भारत की जो संसद है वो बहुत अच्छे प्रतिसाद लेके आएगी, दलों के बीच संख्या बल में पूर्ण बहुमत के मामले में कुछ कमी लेके आएगी, और 18/12/2023 के बाद वर्तमान जो अभी लोकसभा राज्यसभा चल रहे हैं उनकी प्रक्रिया में कुछ रुकावट बाधा आती हुई दिखाई देगी, ये बात निश्चित है। संसद में चूंकि सातवें भाव और दसवें भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सातवां भाव महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है जो लग्न में बैठा है। तो इसका मतलब है कि इस संसद में महिलाओं का बहुत महत्व रहेगा, महिलाओं को विशेष महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा इस संसद में मिलेगी। ये संसद महिलाओं के लिए सकारात्मक स्टेप्स लेके आएगी, पॉजिटिव स्टेप्स लेके आएगी। तो ये मेरा मानना है इस नई संसद के बारे में। और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं वो ज़रूर आप लिखिए। ज्योतिष के विषय में कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं किसी विशेष मुद्दे पे, जैसे नवमांश पर या अष्टक वर्ग पर या योगों पर, तो ज़रूर बताइएगा। कुछ योगों में अगर आपकी रुचि हो तो वो भी बताइएगा, तो उन योगों पर भी डेडिकेटेड वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।